हेलो पिला माने, गत वीडियो रे आमे लुचिथिबा बार्ता हिडन मेसेजेस संपर्क करे जानिले। एही वीडियो रे आमे एहार आउ किछि मजादार उदाहरण देखिबा। जीव राजू ओ बबलू को चिट्ठी लेखि सूचित कला जे सेमाने गाँर सबु लोकंकु पड़िया रे एकाठी करांतु। आउ जीव एहा सह सेमानंकु देइथिबा चश्मा सांगरे आनिबाकु कहिथिला। राजू ओ बबलू जीवर कथा अनुसारे सबु गाँ लोकंकु पड़िया रे एकाठी कले। राजू निज चश्मा पिंधि आकाशरे जीवर उड़ंता थालिया आड़कु देखिला। राजू देखिला जे आकाशरे लेखा होईछि, मो तुम मानंकु किछि गुप्त बार्ता आकाशरे लेखि देखाइबी। एही बार्ता केवल बबलू एवं तमे चश्मा साहाज्यरे देखि पारिबो। गाँ लोकंक साहाज्य द्वारा तमे सेही बार्ता को बुझि सेथिरे जहा कुहा जाइछि से परी करिबो। गुप्त बार्तारे जहा लेखा हेइछि ठीक सेही अनुसारे कार्य कले मु गाँ लोकंकु किछि विस्मयकर जिनिस देखाइबी। राजू एही बार्ता गाँ लोकंकु पढ़ी सुनाइबा परे एहा आकाशरु उभान हेइगला एवं ता स्थानरे एपरी एक प्रहेली लेखि हेइगला। राजू जीवर प्रहेली को एक कागजरे लेखि गाँ लोकंकु देखाइला। समस्ते मिसि से प्रहेली मध्यरे लुचिथिबा बार्ता को खोजिबारे लागि पड़िले। पिला माने, कौन तमे माने एथिरे थिबा बार्ता को खोजि पारिबो? तमे माने चाहिले वीडियो को बंद करी एहार समाधान खोजि पारिबो। आस प्रथमे आमे एही अक्षर मानक मध्यरे की नियम अछि खोजिबा। जदि आमे ध्यानर सह देखिबा ताहले जानि पारिबा जे एथिरे किछि अक्षर ओलोटा क्रमरे लेखा हेइछि। हेले कौन तम मानंकु एथिरे किछि बार्ता लुचिथिबा बुझा पड़ुछि? चल आमे एबे बाकी अक्षर गुड़िकु अलगा लेखि देखिबा। एबे कौन तम मानंकु एथिरु किछि बुझा पड़िला? बिल्कुल ठीक, एथिरे गुप्त संदेश हेला पड़ियारु अलिया हटाओ। चाचा भी तम मानंक भली एथिरे थिबा गुप्त बार्ता को बुझी गाँ लोकंकु पढ़ी सुनाइले। सबु गाँ लोक माने मिसी पड़ियारे पड़िथिबा अलिया को सफा करिदेले। एबे बबलू पुणी निज अद्भुत चश्मा द्वारा आकाश आड़कु अनाइला। सेठारे ताकु परवर्ती गुप्त बार्ता देखागला। बबलू तुरंत एहाकु एक कागज उपरे लेखि गाँ लोकंकु पढ़ी सुनाइला। पुणी थरे सबु गाँ लोक माने एकाठी हेई जीवर गुप्त बार्ता खोजिबा पाई लागी पड़िले। पिला माने, कौन तमे माने एथिरे थिबा बार्ता को खोजी पारिबो? तमे माने चाहिले वीडियो को बंद करी एहार समाधान खोजी पारिबो। साबास पिला माने, तम मानंकर उत्तर पूरा ठीक। जीवर एही बार्ता रे शब्द गुड़िकर अक्षर को
ଓଲଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ଜୀବର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ପଡ଼ିଆକୁ ସଜାଅ। ଏଥର ବଦ୍ରୀ ଜୀବର ପହେଳି ସମାଧାନ କରି ସେଥିରେ ଲୁଚିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ପଡ଼ିଆକୁ ସଜାଇଲେ। ଏବେ ରାଜୁ ପୁଣି ଚଷମା ଲଗାଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏହି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଗଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଏହି ପହେଳିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମେମାନେ ଏଥିରେ ଜୀବର ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଖୋଜିପାରିବ? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରା ଠିକ୍। ଏହି ଆକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦା ଏହିଭଳି ସବୁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖି ଜୀବର ଲୁଚିଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଗଲା। ଆଉ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲା। ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। ଯେମିତି ଚନ୍ଦା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲା, ଆକାଶରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦର ସହ ମିଠା ଖାଇଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଲୁଚିଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ହିଡନ୍ ମେସେଜେସ୍ର କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ।